ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी बताती हूँ। बाकी हो सकता है कि कितनों के साथ हुआ है बताइए। एनर्जी बहुत ही मतलब डिस्टर्ब थी, और सुबह सुबह बहुत लोगों के घर में जो है झगड़े नहीं भी हुए हो शायद, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चली, वाइब्रेशन डिस्टर्ब थी। कुछ लोगों के घर में झगड़े हुए भी होंगे, जैसे अचानक काम मतलब वाइब्रेशन कुछ ऐसी थी कि कुछ काम नहीं बन रहा है। जैसे सुबह सुबह हो सकता है आपके नौकर नहीं आए हो, अचानक आपको समझ में आया कि वो आज काम पे नहीं आने वाले। सब कुछ डिस्टर्बिंग सुबह सुबह हुआ, ऐसा कुछ हुआ होगा। सुबह सुबह घर में आपकी फैमिली में ऑटोमेटिक झगड़े हुए हो और आप उसको शांत करने में लग जाए, या आप खुद भी चिढ़ जाए। मतलब सुबह की एनर्जी मैंने डिटेक्ट की, क्योंकि मुझे पहले बट जो कि मेरे डिवाइन सब्सक्राइबर मुझे हीलिंग दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब नहीं हुई। मतलब वाइब्रेशन डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि मुझे हीलिंग मिल रही थी इसलिए मैं शांत थी। और आई रियली थैंक्स टू ऑल देम जिन्होंने मुझे हील किया है और हील कर भी रहे हैं। तो शायद मैं इन्हीं की वजह से आज हूँ ऐसा लगता है कभी कभी, क्योंकि बीच बीच में जो भी जितने नेगेटिव अटैक होते हैं, भयंकर से भयंकर वशीकरण टाइप, पता नहीं क्या क्या, एकदम जैसे ब्रेन की नसों को तोड़ दिया जाए या आंखों को फोड़ दिया जाए या पता नहीं क्या क्या बहुत गंदे तरीके से जो चल रहा था। तो थैंक्स टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के उन्होंने जो है रियली दे आर डिवाइन सोल्स जो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के मेरी लाइफ में आए। ऐसा लगता है कि बस यही तो अपने हैं, क्योंकि हम जिन्हें सालों साल अपने समझते आए हैं तो पता चलता है कि हमारा सोल पर्पज़ है इनको सर्व करना, लेकिन एक जो हम ढूंढते हैं अनकंडीशनल लव, तो कहीं ना कहीं हमारी जैसी सोल ही हमको जो है कंप्लीट कर सकती है, अनकंडीशनली हमको एक्सेप्ट कर सकती है। तो मैं देख रही हूँ कि जैसे मैं कूद रही हूँ सेल सोल पर्पस के लिए आगे पीछे, क्योंकि वो एंगर इशू होता है इंडिगो चाइल्ड में कि उनको सोल पर्पस के आगे कुछ नहीं दिखाई देता, उनके ड्यूटीज़ के आगे। ट्विन फ्लेम्स का भी सेम। तो मैं देख रही हूँ कि मुझे लग रहा था कि मैं हेल्पलेस हूँ, कि मैं कूद पड़ रही हूँ और मेरे ऊपर अटैक हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं। गॉड मेरी हेल्प के लिए बहुत लोगों को भेज रहा है। अब तो बहुत बड़ी टीम बनने वाली है ये, और वहाँ पे देख रही हूँ कि नेगेटिव स्टारसीड भी अपनी बहुत बड़ी टीम बनाने वाले हैं या बन चुकी है, वो भी साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन ब्लेसिंग्स उनके सब्सक्राइबर्स के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, मिल रहे हैं, उनको हेल्प मिल रही है। और हेल्थ इशू भी हो सकते हैं कुछ डिवाइन फेमिनाइन के साथ। थकान आज उनको बहुत थी, या परसों रात को वो बहुत चिड़चिड़ी थी, उनको जो है जितनी नींद चाहिए उतनी मिल नहीं रही थी। कुछ भी हो सकता है किसी भी रीज़न की वजह से, आज भी पूरी थकान वाली ही एनर्जी थी। और शाम से डिवाइन फेमिनाइन जो है बहुत ही अंदर से मतलब हार्ट में उनको ऐसा हो रहा है कि इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। तो वो हो सकता है भगवान का नामस्मरण भी कर रही हो, ईश्वर को याद भी कर रही हो, जैसे मैं साईं बाबा को याद करती हूँ। तो क्यों हो रही है इतनी बेचैनी? क्योंकि आपके DM जो है आपको कहीं पे ढूंढ रहे थे, सोशल मीडिया हो या कुछ भी हो, वहाँ पे आप अवेलेबल नहीं थे, और जिसकी वजह से जो है आपको बैडली मिस कर रहे थे आपके DM शाम को, या अभी भी कर रहे हैं, अभी भी वो एनर्जी शुरू है। तो जो बैडली मिस कर रहे थे वो वहाँ पे मिस कर रहे थे कि हमारे डिवाइन फेमिनाइन आज हमको मिली नहीं, उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दी आज, या उसकी कोई पिक नहीं दिखाई दी या कुछ भी नहीं। तो वो वहाँ पे बैडली मिस कर रहे थे, इसलिए आपको यहाँ पे जो है हार्ट में ऐसा घुटन से जैसे सांस नहीं आ रही है। तो मैंने तो देखा कि मैंने ये खा के देखा, वो खा के देखा, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या रहा है, और बेचैनी से हो रही थी। तो मैंने कुछ मीठा खाने की कोशिश की, मैंने तरबूज खाया
बट वो दबा नहीं, तो मुझे समझ में आया कि ये खाने पीने वाली बेचैनी नहीं है, ये कुछ अलग है। तो आपके डीएम जो है आपको बहुत बैडली मिस कर रहे हैं, और डीएम की लाइफ में बताती हूँ क्या हुआ है। प्लीज़ बताइए कि अगर कोई डिवाइन मैस्कुलाइन इस एनर्जी को सुन रहा है तो किसके साथ हुआ है। हो सकता है ये किसी के भी साथ हो सकता है, पुराने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ भी हो सकता है, नए डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ भी हो सकता है, किसी भी डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ ये हो सकता है। तो क्या हुआ है बताती हूँ। देखिए, मैंने एक ड्रीम देखा जिसमें मैंने देखा कि मैंने एक नाग को, सांप को पकड़ रखा है, बिल्कुल उसके मुंह को पकड़ रखा है। अगर मैं उसको मुंह को, जैसे नल को पानी आता है उसको कोई बंद करने को टैप नहीं है, तो आप पकड़ के रखते हो ना पूरा, नहीं तो पूरा फ्लोर गीला हो जाएगा, तो पूरा पकड़ के रखते हो मुंह के उसको, नल के, कि पानी बाहर ना आए। वैसे ही मैंने देखा कि मैं अपने ड्रीम में जो हूँ सांप को पकड़े हुए हूँ, बिल्कुल छोड़ नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं वो काट ना ले या कुछ गड़बड़ ना करे। उतने में मैंने देखा कि शायद वो डिवाइन मैस्कुलाइन ही है, बट कोई और डिवाइन मैस्कुलाइन है, मतलब मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं दिखे मुझे, कोई और दिखे। उनको जो है एक लेडी टॉर्चर कर रही है, मतलब एक डिवाइन मैस्कुलाइन को एक डेविल फेमिनाइन टॉर्चर कर रही है। तो 3D की लाइफ में वो जो है एक लेडी दिख रही है, सुंदर सी लेडी दिख रही है, बट डिवाइन मैस्कुलाइन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बट वो जो है उनके पीछे पड़ी हुई है, और डिवाइन मैस्कुलाइन इतने परेशान हो चुके हैं उससे, और वो उनको जो है टॉन्ट मार रही है और उनको जो खींचने की कोशिश कर रही है, मतलब उनके पीछे पड़ी है। तो मैंने देखा कि डिवाइन मैस्कुलाइन ने जो है उन्होंने भी एक नाग अपने हाथ में लिया और लिटरली उस नाग का फन ही काट दिया। तो ऐसा सपना मैंने पहली बार देखा। ये हो सकता है कि जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस है जो मेरे चैनल से जुड़ी है और जो भैरव मंत्र का जप कर रही है, भैरव ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म, ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म, भैरव मंत्र का जप कर रही है और भैरव चालीसा भी, काल भैरव चालीसा भी बोल रही है, तो जिसके प्रभाव से ये कि डीएम की लाइफ में जो एक डेविल एनर्जी थी, जो कि किसी भी रूप में थी, हो सकता है ज़्यादातर ये गर्लफ्रेंड हो सकती है क्योंकि ये मैं वाइफ जैसा नहीं लग रहा था। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये वाइफ हो, बट मुझे तो ज़्यादा तो ये गर्लफ्रेंड जैसी एनर्जी लगी, या कोई पास्ट रिलेशन उनका हो जिसमें वो बहुत एनर्जी दे चुके हो, जो ज़बरदस्ती उनको जकड़ के अपने पास रखना चाहती है, कोई भी हो सकता है, इवन कोई रिश्ता भी हो सकता है, बॉस भी हो सकता है, कलीग भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, कोई चाची मामी बहन माँ कोई भी हो सकता है, जिनके रूप, मतलब जिनके शरीर में प्रवेश करके ये डेविल एनर्जी जो है डिवाइन मैस्कुलाइन को काफ़ी समय से परेशान कर रही थी, बट डिवाइन मैस्कुलाइन को जो है अवेकनिंग आने की वजह से, और वो जो है आप जो भैरव मंत्र का जप कर रही है जिसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन में वो पावर आई, और उन्होंने जो है उस नाग को, मतलब उस डेविल एनर्जी को जो है उसका सर ही काट दिया। सपने में मैं मीनिंग बताती हूँ कि सपने में अगर आप सांप को मार देते हो तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, सपने में सांप को मारना ये दर्शाता है कि आपकी कुंडली में कहीं भी राहु का दोष हो, राहु का दोष हो तो बहुत समय से हो सकता है कि आप जो हो राहु से पीड़ित हो, आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं, सारी मुसीबतें, सारी मतलब बुरी शक्तियां आपके हाथ धो के पीछे पड़ी है। तो ऐसे में अगर आप शिव जी की साधना करते हो, शिव जी का कुछ भी करते हो, तो काल भैरव भी जो है शिव जी का ही रूप है, तो जब राहु की पीड़ा शुरू हो कहीं ना कहीं से, या जन्म कुंडली में राहु बिगड़ा हुआ हो और आपने शिव की साधना की है, उसके बाद जो है ऐसे ड्रीम आते हैं जिसमें आपको दिखाया जाता है कि आपने सांप को मार दिया, तो यहाँ लिटरली गला काट दिया, मतलब राहु की तो एक ही शरीर था ना, जब उसको काटा गया अमृत मंथन के सा जो भी था प्रोसेस, समुद्र मंथन जिससे अमृत निकला और देवताओं में अमृत बांटने जाने लगा, तो देवताओं की लाइन में
जो है राहु केतु जो भी एक दैत्य था वो बैठ गया और जिसने जो है अमृत पी लिया, तो भगवान विष्णु ने उसके ऊपर जो है सुदर्शन चक्र चलाया, फिर भी वो अमृत पी चुका था, इसलिए उसके टुकड़े तो जरूर हुए लेकिन दो अमर हो गए, मतलब तो ऊपर के शरीर को, मुंह को जो है राहु कहा जाता है, नीचे के शरीर को केतु कहा जाता है, सांप जैसा शरीर। तो यहाँ पे गला मतलब मुंह ही काट दिया सांप का, मतलब राहु को ही काट दिया है। तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन, कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन जो है उस थर्ड पार्टी से, अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ गर्लफ्रेंड या वाइफ से बिल्कुल भी नहीं है, जिसके रूप में जो है ये डेविल एनर्जी जो है, औरत का रूप ज़्यादातर ये हो सकता है क्योंकि मुझे औरत दिखाई दी, तो जिसके रूप में ये डीएम को जो है डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ही ज़्यादा जकड़ के रख रही थी, परेशान कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी, मेंटल टॉर्चर कर रही थी, हर रूप से उनको परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो रहे थे। लेकिन किसी ने शिव की इतनी साधना की है जिसकी वजह से उनके डीएम जो है चाहते हैं कि वो डेविल एनर्जी से हमेशा दूर रहे, और कुछ डीएम ने लिटरली डेविल एनर्जी को हो सकता है धमकाया हो, धमकाने की एनर्जी नहीं लगती, लेकिन उन्होंने मतलब डिसीजन ले लिया है कि बस तुम जो हो अपनी लाइन में रहो, क्रॉस मत करो उसको, तुम एक डेविल एनर्जी हो, तुम वहीं तक रहो, ऐसे मुंह से ना बोला हो लेकिन उनको वो समझ में ज़रूर आया है कि ये बहुत ही लोअर एनर्जी है, बहुत ही लोवेस्ट एनर्जी है जो उनको जो है जकड़ के रखना चाहती है, ज़बरदस्ती पकड़ के रखना चाहती है, जहाँ उनका दम घुट रहा है। तो उन्होंने उसको मतलब हो सकता है कुछ केसेस में झगड़े हुए हो, और कुछ केसेस में हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन लिटरली उस डबल एनर्जी को छोड़ चुके हैं, और भले ही वो आपके पास वापस ना आए हो बट कुछ केसेस में थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से निकल चुकी है। मुझे बताइए अगर किसी को ये साइन मिला है आज ड्रीम में कि उनके डीएम जो है थर्ड पार्टी से बाहर निकल चुके हैं, तो हो सकता है ये ड्रीम उन्हीं के लिए हो, क्योंकि मेरे डीएम तो मुझे दिखे नहीं उसमें, तो इसका मतलब है शायद ये ड्रीम आपके लिए हो या कोई और मैसेज इसमें हो। तो कुछ डीएम जो है बिल्कुल थर्ड पार्टी से अलविदा कह चुके हैं, निकल चुके हैं, थर्ड पार्टी का गला काट चुके हैं, मतलब थर्ड पार्टी मतलब यहाँ पर डेविल एनर्जी है, क्योंकि नॉर्मल सोल कोई इतना परेशान नहीं कर सकती, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन को नॉर्मल सोल जल्दी ही वश में आ जाती है डिवाइन सोल्स के, और अच्छा कार्य करने लग जाती है, बट जो एक डेविल सोल्स होती है वो बिल्कुल भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं देती अच्छा, और परेशान करती है डिवाइन सोल्स को। तो डिवाइन सोल्स की मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन ने लिटरली थर्ड पार्टी को रिमूव कर दिया है कुछ डिवाइन मैस्कुलाइंस ने। तो आप बताइए क्या आपको भी आज ऐसा ड्रीम आया था? अगर आपको भी ऐसा ड्रीम आया था तो 100% ये आप ही के लिए ये हो सकता है मैसेज। तो जिनको भी कुछ ऐसा ड्रीम आया था तो हो सकता है उन्हीं के डीएम जो है थर्ड पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, कट ऑफ कर चुके हैं अपनी लाइफ से। तो राहु के ऊपर उन्होंने कंट्रोल विजय प्राप्त किया है, तो कंटिन्यूसली आप जो है काल भैरव मंत्र का जप कीजिए, शाम को 21 माला, ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म, ऐसा ओके, और 5 बार काल भैरव चालीसा बोलिए, हनुमान चालीसा जो है उठते ही 11 बार शुरू कर दीजिए। तो जिन्होंने भी ये किया है उनको ज़रूर रिजल्ट मिले होंगे, क्योंकि जो भी लोग मुझसे सेशन लेने आ रहे हैं उनके रिप्लाई आ रहे हैं कि मैम बहुत ही हैप्पी, मतलब बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं, और आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स करेंगे कि मैडम कैसे ज्योतिष देखते हो आप, पता नहीं क्या क्या, लेकिन मैंने देखा है कि जो भी लोग भरोसे से सेशन ले रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो मैं बता रही हूँ, किसी को मैं रेकी सजेस्ट करती हूँ, किसी को भैरव मंत्र सजेस्ट करती हूँ, तो रेकी तो सबको देखो, आप ऐसे साधना करो आँख बंद करके तो आप कभी भी वो लेवल प्राप्त नहीं कर सकते जो रेकी करने के बाद प्राप्त करते हो, क्योंकि मैं खुद एक स्टार सीड हूँ और मैंने रेकी से अपनी जर्नी स्टार्ट की है, जो कि डिवाइन गिफ्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई गलत फहमी अपने मन में मत पालिए,
क्योंकि बाद में आपको रेगी के फायदे पता चलेंगे तो आपको पछतावा होगा। तो अमेजिंग सा रिजल्ट ये हो रहा है। आप बताइए, जो डिवाइन फेमिनिन अपने सोल पर्पज में लग गई है तो भगवान को, मतलब मैं लिटरली मैं बहुत ही चमत्कारिक फील कर रही हूँ, क्योंकि अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए, बट जितने लोग, बहुत सारे लोग जो सेशन ले रहे हैं, ऐसे ऐसे उनके रिप्लाई आ रहे हैं जिससे मैं दंग हो रही हूँ कि क्या मेरे हाथ में भगवान ने जादू की छड़ी दे दी है जो इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये है कि आप अपने सोल पर्पस पे लग रहे हो, ईश्वर आपको हर तरह से सहायता कर रहे हैं, वो आप जिनको गाइडेंस दे रहे हो उसमें आप सक्सेस हो रहे हो। आपको अगर आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं तो आपको डिवाइन सोल से हीलिंग भी मिल रही है, तो साथ दे रहे हैं ईश्वर। बस आप जो है, क्योंकि देखो इनर वर्क कितना भी आप कर लो, ये डिवाइन एनर्जी और डार्क एनर्जी की फाइट है, तो इसमें आपको अगर कोई मदद कर सकता है तो काल भैरव ही, जो शिव के अवतार है। और मुझे काल भैरव में जब भी मैं कंफ्यूज होती हूँ, प्रॉब्लम में होती हूँ, तो काल भैरव खुद मेरे ड्रीम में आके मुझे वो मैसेज देते हैं, मुझे ऐसे गाने सुनाए देते हैं, भजन वगैरह, भैरव महा सुखकारी, भैरव महा सुखकारी, जबकि मैंने ऐसे भजन कहीं पे नहीं सुने हैं। तो अगर आपको आपकी जर्नी कंप्लीट करनी है तो काल भैरव ही आपकी मदद कर सकते हैं। कल से डिवाइन फेमिनाइन जो है, हो सकता है बहुत ही थकान महसूस कर रही हो, तो ये भी कहीं ना कहीं जर्नी में आने वाले चेंजेस को दर्शाता है। तो बहुत अच्छे से नींद लीजिए, अच्छा अच्छा खाइए, हेल्थ का ख्याल रखिए। तो फिलहाल जो डिवाइन फेमिनाइन सब कुछ कर चुकी है उनको यही करना है, सिस्टमैटिक इनर वर्क सिर्फ और सिर्फ रेकी ही है। और जो हमने जो है इतने सस्ते में जो अवेलेबल किया है उसकी आपको कीमत नहीं है, आप बाहर जो है 3-4 हज़ार रुपये दे रहे हो। देखिए, जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और हम भी उतनी फीस रखेंगे तो आपको ये दिन याद आएंगे कि सबकॉन्शियस हीलिंग के लिए हम कितने कम फीस लेते थे। तो आने वाले मंडे को 500 रुपये हर सेशन की फ़ीस रहेगी, ग्रुप में ही सेशन होगा और 500 रुपये फीस रहेगी। बाहर 3-3 हज़ार ले रहे हैं तो कम से कम हमें इतना तो अधिकार है, क्योंकि मैडम को अब तक कुछ भी नहीं मिला है जबकि उनका एक एक सेशन ही 3-3 हज़ार का होता है। तो मैं देख रही हूँ कि भाई लोगों को जो है सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही दिखते हैं, उनको जो है बहुत लोगों एनर्जी डिटेक्ट नहीं कर पाते, वो रियल कौन है फेक कौन है समझ नहीं पाते। तो हमें एक रीज़नेबल स्टिक, क्योंकि हम भी 3D में रहते हैं, हमें भी हमारा सब कुछ चलाना है, तो एक रीज़नेबल फीस आवश्यक है। अगर मैं इतने सारे वीडियोस बनाती हूँ और फिर भी रिस्पांस नहीं है तो हमें कितने दिन हम ऐसा कर सकते हैं ना। तो हमें भी हमें अपनी एक लेवल स्टैंडर्ड तो रखना पड़ेगा फ़ीस का, क्योंकि हम भी 3D में रहते हैं, हमें भी हमारा सब कुछ चलाना है। और उसके साथ साथ ये भी देखना है कि किस तरह से रीज़नेबल प्राइस में आपको मिले। आप जो हो हर जगह दस जगह सब कुछ खर्च करके आते हो लेकिन हिसाब एक एक रुपए का लगाते हो हमारे यहाँ पे, तो इसलिए हमने जो ये डिसीजन लिया है। और अगर 100 रुपये 200 रुपये में हमें बहुत सारे सेशन मिल जाते, 20-25 सेशन मिल जाते, तो 100 रुपये फीस हम ज़रूर रखते, बट वैसा रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है। जब हमारे हमें इतना रिस्पॉन्स मिलेगा तो ज़रूर हम फीस कम करेंगे, लेकिन जितना टाइम मैडम दे रही है, बाकी सारे सेशन छोड़कर, अपने पेशेंट छोड़कर वो आपको टाइम दे रही है, तो उनका नुकसान हो रहा है कि वो बाकी पेशेंट छोड़कर आपको ध्यान दे रही है। तो इसीलिए हमने जो है इसकी फ़ीस बढ़ा दी है। नेक्स्ट सेशन का सब्जेक्ट रहेगा कॉर्ड कटिंग। तो कॉर्ड कटिंग, जिनको भी अपने किसी रिलेशन की वजह से डिप्रेशन आ रहा है, वो कॉर्ड कटिंग के लिए सेशन बुक कर सकते हैं। सोमवार को 9:30 बजे सेशन रहेगा, उसकी फ़ीस 500 रुपये रहेगी, कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, सीधा पैसे भेज दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, वही फ़ोन पे गूगल पे नंबर है, उसी के ऊपर 500 रुपये का स्क्रीनशॉट डाल दीजिए और सेशन बोल दीजिए कॉर्ड कटिंग। हम वहाँ पे आपको एक लिंक भेजेंगे, उसी टाइम पे आपको सोमवार को 9:30 बजे से 5 मिनट पहले उसको ओपन करना है। तो सवाल जवाब नहीं होंगे, मैं याद आपको नहीं कराने वाली कि आज आपका सेशन है, आपको खुद उससे उसको ओपन करना है टाइम पे,
और उसको अटेंड करना है, और बहुत अच्छी स्कीम है। बाद में फीस बढ़ जाएंगी तो आप पछताओगे। ओके, थैंक यू।